हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्प टिप्स। जैसा कि अभी अनाउंसमेंट हो चुका है, 3 मई तक ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। रेलवे के लिए एक खबर जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग इसको देख रहे थे और जो लोगों ने टिकट बुक किया था उनके दिमाग में बातें चल रही थी, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अनाउंस कर दिया है कि ऑल पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज ऑन इंडियन रेलवे इंक्लूडिंग प्रीमियम ट्रेन्स, मेल एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन्स और सुबर्बन ट्रेन, कोलकाता मेट्रो रेल, कोलकाता रेलवे ETC शैल कंटिन्यू टू रिमेन कैंसिल टिल 24 आवर्स ऑफ 3 मई 2020। यह तो ट्वीट की बात हो गई। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर अब आप इंडियन रेलवे में की वेबसाइट IRCTC पे जाके, चाहे ऐप पे या फिर वेबसाइट पे जाके आप जब टिकट को बुक करते हैं तो वहाँ पे एक एरर देता है। जैसे आप डेट चूज़ करते हैं वहाँ पे मैसेज आ रहा है कि इन द वेक ऑफ COVID-19 एंड एज अ मेजर ऑफ एवेंडेंट कॉशन बुकिंग हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर ऑल ट्रेन अनटिल फर्दर एडवाइस। तो ये भी एक चीज़ आप देख लीजिए कि अभी आप टिकट बिल्कुल भी नहीं बुक कर पाएंगे जब तक ये लॉकडाउन चलेगा। कोई 3 मई की बात नहीं है, अगर उसके आगे भी फर्दर प्रोसेस होता है, ये बढ़ता है, तो तब भी आप टिकट को बुक नहीं कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों के बारे में जानते हैं। 3 मई तक की बुकिंग जो है वो अभी कैंसिल कर दी गई है, मतलब आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन दिमाग में एक बात सबसे पहले ये आती है कि अगर जिसने टिकट बुक किया उसका क्या होगा, तो उसके लिए भी बात यही है कि जो भी टिकट जिन्होंने बुक किया था उनके टिकट सारे के सारे कैंसिल होंगे और उनके अकाउंट में पूरा का पूरा रिफंड प्रोसेस कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या, ऑल टिकट बुकिंग विल बी रिमेन सस्पेंडेड टिल फर्दर ऑर्डर, ठीक है। फिर क्या है कि इंक्लूडिंग, यहाँ पे क्या है कि रिजर्वेशन ऑफ ट्रेन टिकट इंक्लूडिंग ई टिकट कैन बी मेड टिल फर्दर ऑर्डर एंड ऑनलाइन ट्रेन टिकट कैंसिलेशन फैसिलिटी रिमेन फंक्शनल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि फॉर ट्रेन कैंसिल इंडियन रेलवे फुल रिफंड विल बी प्रोवाइडेड ऑटोमेटिकली। मैंने जैसे बताया आपको, रिफंड आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यूजर नीड टू नॉट कैंसिल देयर ई टिकट फॉर फेयर विल बी क्रेडिट बैंक इन टू द यूजर अकाउंट फ्रॉम विच पेमेंट यू नीडेड। ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देंगे, आपको कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंटिंग आउट टू आर द रूल ऑफ कैंसिलेशन ऑल पैसेंजर ट्रेन टिकट, मिनिस्ट्री सेड ऑल काउंटर फॉर बुकिंग ऑफ रेल जर्नी टिकट फॉर रिजर्व और अनरिजर्व ट्रेवल एट रेलवे स्टेशन एंड आउटसाइड ऑफ द रेलवे स्टेशन प्रीमिसेस शैल रिमेन क्लोज अप टू 3 मई। तो ये भी एक चीज़ है कि जो टिकट काउंटर है वो भी क्लोज रहेंगे सारे के सारे, चाहे जो बाहर के हों या फिर अंदर के हों सारे के। बहुत सारे ऐसे काउंटर होते हैं जहाँ की हम जाके प्लेटफॉर्म टिकट या फिर आप जनरल टिकट आप ले लेते हैं, वो भी टिकट इस वक्त क्लोज रहेंगे। अब बात आती है, द रेलवे बोर्ड ऑल्सो इशूड इंस्ट्रक्शन टू द जोन दैट फुल रिफंड फॉर फेयर ऑफ कैंसिलेशन ट्रेन शुड बी इनिशिएटेड बाई देम। बिल्कुल, रेलवे बोर्ड ने इनिशिएट कर दिया है कि सारे जोन को भी चाहिए कि वो रिफंड प्रोसेस कर दें। नो एडवांस रिजर्वेशन शैल बी मेड टिल फर्दर नोटिस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी अभी नोटिस नहीं है फर्दर नोटिस की, एडवांस बुकिंग की, कब होगा कब नहीं होगा कुछ भी नहीं है अभी तक अवेलेबल इस बारे में जानकारी। अब यहाँ पे क्या है कि सर्विस ओवर 3600 पैसेंजर मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन वर अर्लियर सस्पेंडेड March 24, ये भी पता है हमको। तो मोटा मोटा भी यही है कि अभी जो है जो सबसे मेन इन्फॉर्मेशन की ट्रेन जो है वो सारी की सारी कैंसिल कर दी गई है। 24 आवर्स कोई बुकिंग नहीं होगी, कब तक, 3 मई तक। और जो भी लोगों ने ई टिकट बुक किया था उनके रिफंड ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। फिर कहूँगा कैंसिल बिल्कुल मत करें, ऑटोमेटिक आपको इंडियन रेलवे रिफंड कर देगा। अगर आप रिफंड जो है उसको कैंसिल करते हैं तो उस क्लास में क्या होगा कि आपको कैंसिलेशन के चार्ज कटेंगे, इसलिए बेहतर होगा बिल्कुल भी कैंसिल ना करें। हाँ, अभी इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो लोगों ने विंडो से टिकट निकाला होगा उनका टिकट कैसे रिफंड होगा। अगर कोई इसके बारे में जानकारी आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप पे, ताकि लोगों को पता चल सके जो लोग नहीं जानते हैं कि अब अगर उनको ट्रैवल करना होगा तो वो कैसे करेंगे।